Elon Musk, one of the best entrepreneur, inventor, investor, designer, YouTuber, business person, film producer and a rocket scientist. अब और क्या कहने इतने बड़े personality के बारे में, जिनके नाम के आगे ही इतने बड़े-बड़े professions हो, और अब इनके कारनामे सुनिए professions को छोड़के. He is the founder, CEO, lead designer of SpaceX, CEO, product architect of Tesla Motors, co-founder of Neuralink, founder of the Boring Company, co-founder of Zip2, founder of X.com, now PayPal, and co-founder of Open Artificial Intelligence or Open AI. और इतनी सारे famous कारनामे के बावजूद भी आप अगर इन्हें नहीं जानते तो फिर समझ जाइए आप. अब आते हैं आज के इस एपिसोड में, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इलोन मस्क के अब तक के सबसे बड़े कारनामे के बारे में जो वो अब करने जा रहे हैं. सो इलोन मस्क के पूरे कारनामे को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा. सो हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फ्रीकी शैडो, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टारशिप के बारे में. हालांकि नाम स्टारशिप है, बट काम होगा इसका इंसानों को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ले जाना और दोबारा वहां से अर्थ पे वापस लाना भी. सुनने में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है और रियलिस्टिक आइडिया कम और ऑप्टिमिस्टिक आइडिया ज्यादा लगता है, पर अब ये आइडिया रियलिस्टिक होने वाला है. अब हम सिर्फ अपने वर्ल्ड तक ही लिमिट नहीं रहेंगे. एलोन मस्क के जाइगेंटिक प्लान को सुनने के बाद सच में स्पेस हमारे लिमिट नहीं रहेगी. रिसेंटली SpaceX ने स्टारशिप लॉन्चिंग की एक एनिमेशन वीडियो को निकाला, जिसमें कंपनी का प्लान है टेक्सास, जो कि USA का एक स्टेट है, उसे इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्ट हब में बदलने का. मींस टेक्सास से लोग मार्स में जाएंगे और वहां से वापस दोबारा लाए जाएंगे. वाओ. सैटरडे को इलन मस्क ने SpaceX की इस सुपर हैवी लॉन्च सिस्टम, जिसे स्टारशिप कहा जा रहा है, उसकी न्यू डिटेल्स सबको सौंपी और साथ सबके साथ शेयर किया और सोशल मीडिया पे 2 मिनट की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें एक 39 स्टोरी रॉकेट को दिखाया गया. टेक्सास के शहर बोका चिका से जहां पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और इस पूरे प्रोटोटाइप को स्टारशिप मार्क 1 का नाम दिया जा रहा है. SpaceX, जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है, जिसको फाउंड किया गया वन ऑफ द लिविंग लेजेंड इलोन मस्क के द्वारा 2002 में, और इस कंपनी के फाउंडेशन होने का सबसे बड़ा विजन ही यही था, टू लॉन्च अ स्टारशिप टू मार्स. और फाइनली इलोन सर काफी ज्यादा क्लोज है अपने सपने को साकार बनाने में. उन्होंने 39 स्टोरीज की एक स्टील रॉकेट सिस्टम तैयार की, जो कि डिजाइंड ही किया गया है इसलिए ताकि हम मून पे अपना बेस बना सके और मार्स को कोलोनाइज कर सके. SpaceX ने एक वीडियो जारी करी यूट्यूब पे, जिसमें मस्क अपनी बातें रख रहे थे दो रॉकेट्स के बीच खड़े होकर. पहला SpaceX की पास्ट, या यू कहें तो SpaceX की सबसे फेमस मिशन फाल्कन 1, और दूसरा स्टारशिप मार्क 1, और कह रहे थे देयर आर मेनी ट्रबल्स इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स एंड दीज आर इम्पोर्टेंट एंड वी नीड टू सॉल्व देम, बट वी आल्सो नीड थिंग्स दैट मेक्स अस एक्साइटेड टू बी अलाइव. बिकमिंग अ स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन, बींग आउट देयर अमंग द स्टार्स, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स That I know makes me glad to be alive. वो अपने इन लाइन्स से कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है, बट हमें और भी ऐसी चीजें करनी चाहिए जो हमें जीने के लिए उत्साहित करे, और हमारी सभ्यता अगर स्पेस में जा सकती है तो क्यों ना इस सभ्यता को स्टार्स तक पहुंचा दिया जाए. और यही एक चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करती है जीने के लिए. उनके अनुसार ये मिशन काफी टफ होने वाला है, पर उनके इस मिशन का सबसे बड़ा मोटो यह होगा कि इस स्टारशिप को मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचा दिया जाए विद इन 6 मंथ.
सुनने में काफी ज्यादा कम लगता है, बट लेट्स सी whether his mission is gonna succeed or not. और इसके सक्सेस हो जाने की चांसेस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये मस्क की जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा और सबसे बड़ा सपना भी, दैट इज ह्यूमंस को मून या मार्स पे ले जाने का, और यही चाहत उनको यहाँ तक ले आई है. और इस पूरे प्लान का कॉस्ट लगभग 2-3 बिलियन डॉलर्स तक का बताया जा रहा है. अब पानी की तरह अगर पैसे बहाए जा रहे हैं तो हमें ये उम्मीद जरूर करनी चाहिए कि एलोन सर का ये मिशन जरूर से जरूर सक्सेस करेगा. होपिंग फॉर द बेस्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा. देन प्लीज एलोन सर के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. एंड यस, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज टू सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.